अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कासिम अली और आप देख रहे हैं गैस टीवी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से अपना जो डिलीट किया हुआ डाटा, फ़ोटो, फाइल्स या वीडियोस वगैरह किस तरह से जो उसे रिकवर कर सकते हैं जो कि आपसे गलती से डिलीट हो गया या फिर आपने खुद से किया लेकिन आपको बाद में याद आया कि वो ये तो मेरे लिए ज़रूरी था। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से अपना डिलीट किया हुआ डाटा जो है रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दे दी है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने उस पर जाना है और उस पर क्लिक करना है और आपके पास जो है वेब पेज शो होगा इस तरह का। आपने जो है इधर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है। अच्छा जी, आपने जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो है मैंने जो ये इंस्टॉल कर लिया हुआ है ये वाला सॉफ्टवेयर, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना। ठीक है, उतनी देर में आपको अपने जो USB है वो दिखा देता हूँ कि उसमें जो है मेरे पास थोड़े एक दो पिक्चर्स हैं, उसे मैं आपके सामने डिलीट करता हूँ और उसके बाद इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको जो है मैं रिकवर करके दिखाऊंगा। ये जो है मैं डिलीट करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये तो डिलीट हो चुकी है। अब जो है मैं ये सॉफ्टवेयर भी ओपन हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, मेरे पास ये USB आपने सेलेक्ट करनी है या आपने अपने लैपटॉप के साथ जो भी लगाया है, मेमोरी कार्ड लगाया है या फिर जो है आपने USB लगाई है, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। मेरे पास जो है ये USB शो हो रही है, तो आपने सिंपल इसको जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपकी फाइल्स को रिकवर करना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी जल्दी आपको रिकवर करके दिखा रहा। अच्छा जी, हमारे पास जो USB जो है रिकवर हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब मैं आपको जो है सिंपल आपको जो वो वाली पिक्चर जो है आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने आपके सामने डिलीट की थी। मैं सिंपल जो है इन पिक्चर्स पे जो है क्लिक करता हूँ, इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और इसे जो है आपने सिंपल क्या करना है, रिकवर के बटन पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा डेस्टिनेशन, तो मैं इसे रख लेता हूँ डी ड्राइव में रख लेता हूँ और इधर से आपने करना है रिकवर के बटन पे क्लिक। अच्छा जी, आपने जो जहाँ पे आपने जो है रिकवर किए पिक्चर्स अपनी, आपने उस ड्राइव में जाना है। मैं डी में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डी में रिकवर किया है। आपने सिंपल इधर जो है उसने न्यू फोल्डर रिकवर इट के नाम से जो उसने फोल्डर क्रिएट कर दिया, आपने सिंपल इसे ओपन करना है। और ये देखिए मेरे पास वही पिक्चर्स आ गई जो मैंने आपके सामने जो है डिलीट की थी। ये सारी वही पिक्चर्स हैं जो मैंने आपके सामने जो डिलीट की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।